मुंबई की श्रद्धा वालकर ने आफ्ताब पूनावाला के साथ सपने संजोए और उसके प्यार में अपना परिवार छोड़ा, घर छोड़ा, दोस्त छोड़े। दोनों दिल्ली के महरौली में लिव इन में रहने लगे, लेकिन आफ्ताब ने श्रद्धा का बर्बरता से मर्डर कर दिया। बीते सोमवार को इस सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ। आफ्ताब ने 6 महीना पहले ही श्रद्धा की हत्या कर दी थी। उसने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े कर फ्रीज में छुपा दिए। आफ्ताब हर रात शव के टुकड़े को थैली में भरकर मेहरौली के जंगल में फेंक आता था। पुलिस ने आफ्ताब को हिरासत में लिया तो शुरुआत में बरगलाने की कोशिश की, बाद में अपना जुर्म कबूल किया। तो आइए दबंग 24 न्यूज के इस अगले एपिसोड में श्रद्धा मर्डर केस की पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या क्यों की। आफ्ताब पूनावाला शादी को लेकर हुए झगड़े के बाद उसने श्रद्धा वाकर की हत्या की और उसके शरीर को टुकड़ों में काटने का विचार उसे एक अमेरिकी टेलीविजन सीरीज डेक्स्टर से आया। आफ्ताब ने शव के टुकड़े हुए हिस्से को रखने के लिए 300 लीटर वाला एक फ्रिज खरीदा और शव से आने वाली बदबू को हटाने के लिए अगरबत्तियों एवं रूम फ्रेशनर का उपयोग किया। आफ्ताब रात के समय शरीर के टुकड़ों को फेंकने के लिए निकलता था। वो इस बात का ध्यान भी रखता था कि शरीर का कौन सा हिस्सा जल्द से जल्द सड़ना शुरू हो जाता है और उसने उसी को देखते हुए शरीर के हिस्सों को फेंकना शुरू किया। दोस्तों, मैं अब जो आपको बताने वाला हूँ उसे जानकर आपको थोड़ा हैरानी होने वाली है। आफ्ताब ने जिस समय श्रद्धा के टुकड़ों को फ्रिज में रखा हुआ था, वह उस समय अपने महरौली वाले किराए के फ्लैट में एक और महिला को डेट के लिए लाया था। आफ्ताब कथित तौर पर दूसरी महिला एक मनोवैज्ञानिक के संपर्क में उसी डेटिंग ऐप से आया, जिसके माध्यम से उसकी श्रद्धा वाकर से 2019 में मुलाकात हुई थी। दूसरी महिला जून जुलाई में एक दो बार उसके घर आई। उस समय आफ्ताब ने वाकर के शरीर के अंगों को फ्रिज और किचन में छिपा दिया था। 18 मई को श्रद्धा वाकर की हत्या के बाद पूनावाला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में लॉगिन किया और उसे अपने दोस्तों को यह संदेश दिया कि वह अभी भी जीवित है। उन्होंने उसके क्रेडिट कार्ड के बिलों का भुगतान भी किया ताकि कंपनियां उनके मुंबई के पते पर संपर्क न करें। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं अब तक छानबीन में पुलिस को क्या मिला है। दिल्ली में श्रद्धा का कत्ल करने के बाद वह मुंबई भी पहुंचा था और करीब 15 दिन पहले ही उसने परिवार वालों के साथ मिलकर समान नए घर में शिफ्ट किया। उसे पता था कि अगर मैं पकड़ा गया तो पुलिस और मीडिया परिवार को ढूंढेगा। आफ्ताब ने कबूल किया है उसे श्रद्धा के शव के टुकड़े टुकड़े करने में करीब 10 घंटे लगे थे। उसने 1 घंटे तक शरीर के सभी टुकड़ों को पानी से धोया। उसके बाद सभी टुकड़ों को पॉलीथीन में बंद कर फ्रिज में रखता चला गया। इस दौरान उसे ऑनलाइन खाना भी मंगवाया, काम खत्म करने के बाद बियर लिया, फिर नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज देखी और सो गया। हालांकि अगर वो कोर्ट में पलट गया तो इस कहानी को साबित करना बड़ी चुनौती होगी। पुलिस को सबूत में मिले हैं कि श्रद्धा के कत्ल के बाद आफ्ताब ने अपना पुराना फोन OLX पे बेच दिया है। इस फोन को रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। आफ्ताब ने अभी तक श्रद्धा के मोबाइल के बारे में भी सच सच कुछ नहीं बताया है। महाराष्ट्र में जहां उसने फोन फेंकने की बात कही है, वहां से मोबाइल रिकवर नहीं हुआ है। दोस्तों, श्रद्धा मर्डर केस में अब तक जो हुआ है उसका संक्षिप्त में विश्लेषण बताते हैं हम आपको। 8 मई को आफ्ताब और श्रद्धा दिल्ली पहुंचे। 15 मई को छतरपुर में शिफ्ट हुए। 18 मई को झगड़े के बाद आफ्ताब ने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी। अगले 18 दिन तक आफ्ताब अलग अलग जगह बॉडी को टुकड़े में फेंकता रहा। 22 से 24 मई तक आफ्ताब ने श्रद्धा के अकाउंट से 54,000 रुपए निकाले। 26 मई को श्रद्धा के फोन से आखिरी कॉल की गई। 31 मई को दोस्त लक्ष्मण को श्रद्धा के इंस्टाग्राम से टेक्स्ट मैसेज किया गया। 26 अक्टूबर को मुंबई पुलिस ने पहली बार आफ्ताब से पूछताछ की। 14 सितंबर को श्रद्धा के परिवार को उसके गुम होने के बारे में पता चला। 8 नवंबर को श्रद्धा के पिता उसका हाल जानने दिल्ली पहुंचे, लेकिन वह नहीं मिली। 12 नवंबर की रात पुलिस ने आफ्ताब को उसके घर से अरेस्ट कर लिया। 14 नवंबर को दिल्ली पुलिस को आफ्ताब के किचन से खून के निशान मिले। 15 नवंबर को पुलिस आफ्ताब को लेकर महरौली के जंगल पहुंची। श्रद्धा वाकर मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला अभी भी पुलिस को लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रहा है।
आफताब के झूठ लगातार सामने आ रहे हैं। उसने इस सातिराना तरीके से हत्या की है कि पुलिस के लिए अदालत में इस हत्या को साबित करना बड़ी चुनौती है। पुलिस के मुताबिक उसे श्रद्धा को मारने का अफसोस नहीं है, वह लॉकअप में आराम से सो रहा है।